अस्सलाम वालेकुम मेरी पॉजिटिव फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे आप सबकी दुआओं के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं, एकदम फिट एंड फाइन है। आज है मेहंदी वाला दिन और यहाँ पर दुल्हनिया को मेहंदी लगना शुरू हो चुकी है और आज का व्लॉग ना एकदम धमाकेदार होने वाला है। आज खूब सारी डांस होगी, खूब सारी मस्ती होगी, हर एक मोमेंट को मैंने कैप्चर किया है, थोड़ा सा भी स्किप किए बिना ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर है ना दुल्हनिया को मेहंदी लगना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर है ना सब ऑलमोस्ट तैयार हो रहे थे और यहाँ पर है ना मेहंदी जो लगाने वाली थी मेहंदी आर्टिस्ट वो भी आ गए थे। तो दुल्हन को मेहंदी लगने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि एकदम बारीकी से डिज़ाइन वगैरह होता है, तो हम लोग मेहंदी वाले को बहुत जल्दी बुला लिए थे। इसके बाद ना मेहंदी के शूट्स वगैरह भी होने थे तो यहाँ पर मेहंदी लग रहा था। अच्छा, बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपके बाकी जीजू लोग नहीं आए, तो आपको रहमान से तो आप ऑलरेडी मिल चुके होंगे और ये वाले हैं मेरे सेकेंड वाले जीजू, ये मेहंदी वाले दिन ही आए थे, ऑफिस वगैरह की छुट्टी तो थी ही नहीं, कैसे भी वो मैनेज करके आ गए और मेहंदी वाले दिन आए, हल्दी वाले दिन नहीं थे। तो ये मेरे सेकंड जीजू हैं, ये बैंगलोर में रहते हैं, सेकंड वाली दी से आप तो मिल ही चुके होंगे, तो ये मेरे जीजू हैं। और यहाँ पर रहमान और हुमायूं जीजू, उनका नाम हुमायूं है, तो हुमायूं जीजू मिलकर फरा को सता रहे थे बस, पर फरा को कैसे भी चाहते थे कि वो इमोशनल कर दे और वो लोग इस चाल में कामयाब भी हुए, फरा इमोशनल हो गई थी यहाँ पर, वो रोने भी लगी। मेहंदी के दिन हम लोगों ने इतना एंजॉय किया है, मैं हर एक चीज़ को कैप्चर की हूँ और ये व्लॉग ना मेरे दिल के बहुत करीब है। हम सब मिले, खूब सारी डांस की, खूब सारी मस्ती की, खूब सारा एंजॉय किया, हर एक चीज़ को मैंने इतने अच्छे से कैप्चर किया है। ये सब मोमेंट्स तो मुझे हमेशा याद रहेंगे। एक तो हम सब इतने सालों बाद मिलते हैं साथ में और इतना मज़ा करते हैं, ये वाला फंक्शन ना मेमोरेबल होने वाला है। तो मैंने हर एक चीज़ कैप्चर किया। यहाँ पर देखिए उनको आखिर को फरा को रुलाने तक ये लोग उसे सताते ही रहे और ये सच में रोने लगी और फरा बहुत इमोशनल है। और यहाँ पर इन्हें उनकी शूट्स वगैरह होनी थी तो यहाँ पर कितनी प्यारी लग रही है ना, तो सब लोग प्लीज़ 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 माशाल्लाह ज़रूर से बोलिएगा। और यहाँ पर जो फरा को मेहंदी लगी थी ना, बाय गॉड, दुल्हन लोगों में ना पेशेंस लेवल बहुत हाई होने चाहिए। ये वाली मेहंदी लगाने के लिए फराह को 6 से 7 घंटे लगे हाथों में और पैर में लगाने तक। और मैं तो मेरी शादी में कह चुकी थी कि मुझे इतना एकदम हैवी वाला डिज़ाइन नहीं लगाना क्योंकि मुझसे इतनी देर बैठा जाता ही नहीं है, पता नहीं फराह ने कैसे बैठ लिया, भाई हैट्स ऑफ है। और यहाँ पर लेकिन डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा था, देख रहे हैं आप लोग, आप लोगों को डिज़ाइन कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से लिखिएगा। और यहाँ पर है ना मेहंदी का शूट्स वगैरह हो रहा था। अच्छा, ये जो ग्रीन ड्रेस में आपको दिख रही है ना, ये मेरी भाभी हैं, मेरे मामा एक ही मामा है, मेरी मम्मी के एक बहन एक भाई है, ठीक है, जो ग्रीन वाली ड्रेस में ये मेरी भाभी है, उनकी बहू है, तो इनको ना मेहंदी लगाना बहुत अच्छा रहा था। तो यहाँ पर वो सेकेंड वाली दी को मेहंदी लगा रहे थे, पता नहीं कौन वगैरह कुछ घूम गया था तो वही ढूंढ रही थी। अच्छा, यहाँ पर है ना क्या हो रहा था, फराह के साथ जो सामान जाता है ना दुल्हन के साथ, तो वो सबकी पैकिंग हो रही थी। यहाँ पर फूफी दादी मामी सब लोग कर मम्मी को पैकिंग करने में हेल्प कर रहे थे जो दुल्हन के साथ सामान जाता है, तो यहाँ पर हम सारा सेट कर रहे थे। और यहाँ पर है ना मेरी दादी को दिखा रही थी मम्मी हर चीज़, क्योंकि दादी इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली ना, तो उनको हर एक चीज़ मम्मी बताकर उनका मशवरा लेकर सब लोग मिलकर पैकिंग वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पर दुल्हन की पैकिंग हो रही थी जो सामान अपने साथ लेके जाने वाली हैं। और ये वाला चीज़ जो आपको रेड दुपट्टा दिख रहा है ना, ये दादी मेरी मम्मी के लिए जो भी गिफ्ट वगैरह देते वो लाए थे। और ये कपड़ा बहुत ही मेमोरेबल है क्योंकि ये मेरे पापा के शादी की थी, तो दादी ने अभी तक उसे संभाल के रखी है और बहुत अच्छा लगा वो देखकर। अच्छा, अलैना अलीज़ा के लिए ना मैंने ये वाला कॉस्ट्यूम सिलवाया था, यहाँ ये ना स्टिच्ड है और हल्दी की आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, वो रेडीमेड नहीं है, किसी ने मुझे पूछा था कि रेडीमेड है, नहीं रेडीमेड नहीं है, हमने स्टिच करवाया था। और यहाँ पर कैमरा से फोटोशूट चल रहा है, ये मेरी थर्ड वाली बहन है, मैं आप लोगों को बार बार एक्सप्लेन करती रहूँगी क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं बहनों में, सब सेम दिखते हैं सेम दिखते हैं, सब ने यही कहा है, 99% सब ने यही कहा है कि हम सब सेम दिखते हैं। तो आप लोगों को हर बार जब भी मेरी कोई बहन आएगी ना तो मैं नंबर वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो यहाँ पर पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, और ये क्लिप शायद रहमान ने लिया है, आई गेस, पता नहीं किसने लिया है। और ये हैं अलैना और अलीज़ा। अलैना ना बहुत ज़्यादा थक गई थी मेहंदी के हल्दी के फंक्शंस में, तो उसके एक दिन बाद ना मेहंदी के लिए गैप था, फिर भी अलैना बहुत टायर्ड दिख रही थी क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा सा ख़राब ही चल रहा था, क्योंकि ना क्लाइमेट वगैरह चेंज हो जाती है। तो और ये देखिए अलीज़ा को, और है ना मैंने उन दोनों के लिए ना बैंगल्स भी लिए थे, कितना क्यूट लग रहा है उनके हाथ में, देखिए अलैना और अलीज़ा के। अलीज़ा तो बिल्कुल भी बैंगल्स पहनने नहीं मांग रही थी, कैसे करके मैंने उन्हें मैनेज किया है। अच्छा, जो ये दो ग्रीन ड्रेस में दिख रही है मेरी अबू धाबी वाली बहन है ना, उनकी दोनों बेटियाँ हैं, जिया एंड आयरा,
और यहाँ पर है ना जो दुल्हन के साथ सामान जाता है मेहंदी के सारे दिन डेकोरेट करके दिखाया जाता है, जो गेस्ट वगैरह आते हैं वो लोग देखकर जाते हैं, जो गोल्ड दे रहे हैं, कपड़े वगैरह देते हैं ना, तो उसको सब सजा कर ऐसे दिखाया जाता है। तो ये बहुत लोग हैं जो कैमरामैन आ रहे थे वो शूट कर रहे थे, तो मैंने सोचा ये भी मैं क्लिप्स ले लेती हूँ, तो आप लोगों को भी बताना है कि क्या क्या कुछ हम लोगों ने दिया है। तो यहाँ पर वो सारा शूटिंग वगैरह हो रहा था, और इस बीच हम लोग ना मेहंदी लगवाने में सब इतने बिजी हो गए थे, अभी तो कोई आपको दिख नहीं रहा है, आगे हंगामा शुरू होने वाला है, वेट करते जाइए। आप थोड़ा देर भी स्किप, एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही मेमोरेबल ये होने वाला है व्लॉग। अच्छा, हम लोगों ने ना यहाँ पर एक थीम सोचा था कि हम लोग ना नंबर वाइज बहनों का हाथ हथेली पे नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर वो तैयारी हो रही है। वेट करिए, मैं आपको सब चीज़ बताऊँगी, ऐसे एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, दुल्हन की छोटी बहन, ऐसे हम लोगों ने सारा अपने हाथों में लिखा था, फूफी का नाम लिखा था, मामी के लिए लिखा था, ये मेरी सेकंड वाली बहन है, वो वाली लास्ट वाली बहन है। देखिए, अभी तो मैं आपको हर एक से इंट्रोड्यूस करूँगी, लाइन बाय वाइज हम सब आएंगे, और ये वाली, ये सारा कुछ है ना मेरी बड़ी बहन का आइडिया था, तो मेरी बड़ी बहन ही सबको पकड़ पकड़ के लिख रही थी, बेचारी ने बहुत मेहनत की, क्योंकि सब लोग यहाँ वहाँ हो गए थे, तो सबको ढूंढ ढूंढ कर वन बाय वन उन्होंने लिखा है, आपको अभी पता चल जाएगा क्या उन्होंने लिखा है। हम सब शादी में मिल रहे हैं, तो सबकी मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है। ये सारी मेरी फूफियाँ हैं, और वो जो खड़ी हैं वो मेरी चाची हैं, और यहाँ पर हम सब मेहंदी लगाने में इतनी बिजी थी, और वो मेरी मम्मा है जो भी आई हैं। मेरी मम्मी को आप लोगों ने देखा हल्दी वाले व्लॉग में ऑलरेडी देख लिया होगा, फिर भी आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जा रहे हो, तो मैं फिर से एक्सप्लेन हर व्लॉग में करती रहूँगी शादी के व्लॉग्स में। ये मेरी मम्मा है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर मेरी बहन सबको लिख रही है, लड़की की फूफी, लड़की की सेकेंड वाली फूफी, थर्ड वाली फूफी, ऐसे लिख रही है। और यहाँ पर है ना आती है मेरी मेहंदी लगाने की बारी, और मेरी मेहंदी इतनी बुरी तरीके से स्प्रेड हो चुकी थी अलीज़ा के वजह से, अलीज़ा एंड अलैना के वजह से, इस बार दोनों ने बहुत मस्ती की है, दोनों के वजह से, जो मेरी बहन लिखते जा रही थी ऑलरेडी राइट हैंड में उन्होंने लिखा था, तो वो स्पॉइल हो गया था। तो यहाँ पर लिखी है उन्होंने हाथ में दुल्हन की बड़ी बहन, मतलब ये बड़ी वाली बहन है रुकैया पी, अब फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये है मेरी बड़ी बहन रुकैया पी, अबू धाबी में रहती है, और ये है मेरी सेकंड वाली बहन, दुल्हन की सेकंड बहन, देखिए। ये है दुल्हन की थर्ड वाली बहन, तो यहाँ पर लिखा, देखिए आपको दिख रहा होगा दुल्हन की थर्ड बहन, और ऐसे ही हम लोग ना लाइन वाइज आ रहे थे, और यहाँ पर पूरी मेहंदी मेरी स्पॉइल हो गई थी, जैसे कि आपको दिख रहा है अलैना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई थी, और इतना रो रही थी पूरी थ्रू आउट द फंक्शन कि क्या ही बताऊँ। और ये है दुल्हन की क्यूट सी छोटी बहन, और यहाँ पर फूफी हैं, और ये मेरी बड़ी वाली फूफी हैं और दादी हैं, यहाँ पर है ना फंक्शन शुरू होने की तैयारी हो रही थी, तो यहाँ पर सब लोगों ने लिखा दुल्हन की बड़ी वाली फूफी, सेकंड वाली फूफी, सारा कैसे लिखा था, ये बहुत ही अच्छा जो कैमरा शूट करने के लिए आए थे ना, ये थर्ड वाली फूफी हैं जो आए थे ना, उन्होंने तो बहुत अच्छे से कैप्चर किया, फिर भी मेरा तो मैंने तो मोबाइल मेरी बहनों को दे दिया कि आप लोग कैप्चर करना, वो लोगों ने थैंक्स, वो लोग इतना कैप्चर किए तो भी मेहंदी का व्लॉग निकल पाया, वरना बहुत मुश्किल था। अच्छा, आपको मेरी मामी से मिलाती हूँ, मेरी मम्मी है ना बड़ी बहन है, मम्मी है और भाई, तो मेरे एक ही मामा है, और जो ये सोफ़ा में बैठी है ना वो मेरी मामी है, जो हल्का से येलो कलर के कपड़े में है ना वो मेरी मामी है, तो मेरी एक ही मामी है, ठीक है। तो ये मेरी फूफी है छोटी वाली। अच्छा जी, तो ये है मेरी मामी, मेरी एक ही मामी है ना, जैसे आपको बताया था, तो ये मेरी मामी है। तो यहाँ पर हो रही है डांस की तैयारी, तो हम लोगों ने ना कोई डांस प्रिपेयर नहीं किया था, और प्लान्स भी नहीं थे कि हम लोग डांस करेंगे, पर समा ऐसा बन गया, सब लोग मिल गए, तो सब लोगों ने सोचा कि क्यों
ना फरा के लिए थोड़ा सा डांस किया जाए। और यहाँ पर हम लोग सॉन्ग डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा सॉन्ग नहीं करना है, तो आप लोगों को बता दूँ हम लोग कौन सा सॉन्ग नहीं कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा बस ऑडियो प्ले किया है, ज़्यादा नहीं प्ले कर सकते क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने फरा को ला दिया था क्योंकि उनको उसके सामने ही हमें परफॉर्म करना था, तो उसको थोड़ा सा स्पेशल फील कराना तो बनता है ना। तो हम सब बहनों ने यही डिसाइड किया था। इसमें हमने जो मस्ती की है कि मैं आपसे क्या बोलूँ, आगे ऑडियो प्ले होगा, आप लोग गेस करना कौन सा सॉन्ग है। ठीक है, तो आप लोगों ने सॉन्ग तो गेस कर ही लिया होगा, तो यही डांस यही सॉन्ग हम लोगों ने परफॉर्म किया। इसके बाद हम लोगों ने बहुत डांस किया, सब बहनें मिली, सब फूफी थी, दादी थी, मम्मी थे, सब लोग थे। अच्छा, इसके आगे ना मेरी मम्मी और मामी का भी डांस देखना, बहुत ही क्यूट। मेरी मम्मी इतनी खुशी से डांस कर रही थी, मेरी मम्मी को चाची ने, मामी ने, सब ने डांस करवाया और हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया। मतलब हल्दी का फंक्शन वर्थ इट था, खूब मज़े किए, इतना इन्जॉय किए। देखिए वहाँ पर मेरी मम्मी ताली बजा रही है, अभी तो शो ख़त्म नहीं हुआ, अभी शुरू हो रहा है। देखिए वहाँ पर है ना, जो ग्रीन ड्रेस में है स्पेक्स में, वो मेरी चाची हैं, छोटी चाची। वो अपनी जेठानी जी यानी कि मेरी मम्मी सबसे बड़ी हैं, तो उन्हें कैसे छोड़ती, अब ला दी उन लोगों ने उनको परफॉर्म करने के लिए। तो मेरी मम्मी को डांस तो आता नहीं है, फिर भी उन्होंने और मामी ने, चाची और मामी ने मिलके मेरी मम्मी को कितना अच्छा से डांस करवाया, आप वीडियो में देखना, बहुत ही ये सारे ना बहुत क्यूट मोमेंट्स है, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए मम्मी, और जो अभी आई है ना वो मेरी मामी है। मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि मेरी एक ही मामी है, तो मामी, मम्मी और चाची मिलके सब लोग इतना अच्छे से डांस कर रहे थे। बस ये मोमेंट्स है ना यार, लाइफ टाइम चेरिश करने वाले हैं हम लोग बहुत, इंशाल्लाह। और यहाँ पर देखिए अब मेरी चाची भी मेरी मम्मी को डांस कराएंगी। दो मेरी मम्मी को डांस आता नहीं है, फिर भी मेरी मम्मी ने कोशिश किया, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है। अब मैं भी वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो मुझे भी खुद को इतना अच्छा लग रहा है फैमिली को देखकर कि क्या ही बताऊँ। तो बस मेहंदी का दिन ऐसे ही हम लोगों ने हंसते खेलते गुजारा। अगले दिन थी शादी वाली दिन, शादी का व्लॉग तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा और वेरी इमोशनल एज वेल। तो चलिए यही मेहंदी व्लॉग, होप करती हूँ आप सबको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और लास्ट में ना हर मेहंदी के फंक्शन में, हल्दी के फंक्शन में, शादी और रिसेप्शन में मैं ना सारे फ़ोटोज़ भी डाल दूँगी जो हम लोगों ने क्लिक करवाए थे। तो इसके एंड में भी है ना मेहंदी के फ़ोटोज़ हैं, तो देखकर ज़रूर जाइएगा। और वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। I'm not afraid.